हेलो, ये देखो एक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी अमेजोन से। 150 रुपीज़ का है ये इस ग्रो बैग में पैक होके आया था। स्वस्थ पौधा है लेकिन ये कुछ दिनों से आने के कारण थोड़ा सा नरम हो रहा है। इसको मैं रिपोर्टिंग करके बताऊंगी। ये देखिए कैक्टस या फिर ड्रैगन फ्रूट एक ही प्रजाति के होते हैं। इनको कम पानी वाली जगह पसंद होती है, बंजर भूमि में बड़ा इजली ग्रो कर लेते हैं। ये एक नागफनी का पौधा है, इसको भी रिपोर्टिंग करूँगे। ये देखो इसके लिए ऐसे कंटेनर, अभी इसलिए छोटे कंटेनर में लगा रही हूँ, कुछ दिन पौधा ग्रो हो जाए अच्छे से, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करूँगी बड़े प्लांट में। ये देखो ये एक नीचे डाल दी मैं कंपोस्ट। अब इसमें है ये राख, लकड़ी की राख, ये नॉर्मल गार्डन की साइड जिसमें गोबर की खाद मिली हुई है, और ये रेती, रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि ये पानी से ज़्यादा दिन टिके ना और इजली सफाई करता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, और बस कुछ नहीं करना है इसको, इसमें डालना है ऐसे इस टाइप से, ऐसे डालेंगे और बस बीच में इसको गड्ढा करके इसको दबा देंगे बस। ये देखो, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब ये थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएगा, थोड़ी इसकी लीव्स और बढ़ने लगेगी, तो मैं इसको बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी। बड़े गमले में लगाने के लिए मेरे को एक बीच में बड़ी सी लकड़ी के स्टैम्प देना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छे से पॉटिंग सॉइल बनानी पड़ेगी, उसके बाद लगाना पड़ेगा। और अभी पौधा छोटा है, बड़े से गमले में लगा दूँगी तो उसको बारिश के टाइम पर उठा के रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे से कंटेनर में लगाएंगे। पहले इसमें ग्रोथ कर ले, फिर उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। ड्रैगन फ्रूट आप देखे ही होंगे, शुगर वाले के लिए, हार्ट पेशेंट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि शुगर फ्री रहता है ना। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यदि आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप पूरी बंजर भूमि है, पानी पानी नहीं है, मिट्टी एकदम ख़राब मिट्टी है, उस जगह में ड्रैगन फ्रूट आराम से ग्रो करता है। ऐसी जगह हम लगा दीजिए, 1.5 साल में इसमें फ्रूट आना बहुत जल्दी, इसमें फ्रूटिंग आने शुरू हो जाती है। और 1.5 साल में फ्रूटिंग, और इसकी इसके फूल नाइट में खिलते हैं, सिर्फ एक रात के लिए खिलते हैं, जिसको हैंड पोलिनेशन से फ्रूटिंग की आवश्यकता होती है। और खेती करने वाले तो बहुत लंबे उसमें लगाते हैं, पहले साल में 1-2 फल आते हैं, फिर दूसरे 3-3 से 4 ऐसे कंटिन्यू फूल बनते जाते हैं, और फिर बहुत सारे एक पौधे बहुत फुलाने लग जाते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप आराम से, ये ड्रैगन फ्रूट के नर्सरी वाले पास भी मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का आप मांग सकते हैं उनसे, अच्छी क्वालिटी का ड्रैगन फ्रूट प्लांट दे दो करके। और नहीं तो फिर आप क्या बोलते हैं, नर्सरी वाले से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं तो अमेज़ॉन से मंगाई क्योंकि मेरे यहाँ ये नर्सरी वाले ला के नहीं दे रहे थे, ये अमेज़ॉन में भी बहुत ईजिली मिल जाता है और स्वस्थ पौधा आता है, ऐसे ग्रो बैग में आता है। ये देखो इसमें थोड़ा सा वर्मी कम्पोस्ट डाला हुआ है, इसको भी इसी में ऐसे डाल देती हूँ ताकि वर्मी कम्पोस्ट से ईजिली सर्वाइव करे। कोको वर्मी कम्पोस्ट नहीं है, कोको पीट है, जैसे ये नारियल की बूछ होती है ना, इसका जो बुरादा रहता है ये कोको पीट का काम करता है। इसको नीचे डाल सकते हैं तो आराम से कोको पीट का काम करता है। इसके ऊपर एक लेयर रेत की डाल देती हूँ ताकि इससे इसमें पानी रुके ना, ड्रेनिंग होल अच्छा होना चाहिए, बारिश धूप तेज़ धूप पसंद है इसको, और ज़्यादा छाए वाली जगह में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पानी डालना है। 2-3 दिन जब ऊपर की स्किन ऑलरेडी ड्राई हो जाएगी तब इसमें पानी डालना है।